हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच नई पहल के अंतर्गत आप सभी के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया है। और आज मैं आप सभी के बीच आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ कि मेंस के लिए अगर कुछ नहीं पढ़ा तो क्या इतना टाइम मिलता है मेंस भी हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्लियर करें अपने सिलेबस के संबंध में। हाँ फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम का क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका सिलेबस है वो है सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन एज इट इज़ प्रारंभिक परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाता है, जो सिलेबस है वही टोटली जीएस का सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा में, अर्थात प्रथम जो प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के एज इट इज़ फॉर्म में सेम है, इवन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला पेपर तो आपका ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा के साथ तैयार हो गया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पत्र। फ्रेंड्स, दूसरा जो प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा का, वो आपका सामान्य हिंदी से संबंधित है, जिसमें 6 टॉपिक है। कौन कौन से हैं? पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तद्भव तत्सम है, विशेष विशेषण है, वाक्य वर्तनी शुद्धि और विलोम है। इसमें मात्र एक टॉपिक को हटाते हैं, अर्थात पर्यायवाची को। तो 5 टॉपिक आपका मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर में पूछा जाता है। अब बस नया क्या है मुख्य परीक्षा में, अब वो जानते हैं। नया है आपका लेटर राइटिंग, मुहावरा लोकोक्तियाँ, शब्दावली और कुछ आपके वो नेक्स्ट जो पेपर है तीसरा प्रश्न पत्र निबंध का है, जिसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच ऑथेंटिक पुस्तक की सूची पुस्तक बता रही हूँ। ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच लेटर से संबंधित विभिन्न प्रारूप से संबंधित क्लासेस को लाया जा चुका है। ऑलरेडी आप सभी के बीच मेरे द्वारा महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जा चुका है। और फिर मेरे द्वारा आप सभी के बीच आगामी परीक्षा के दृष्टिगत अवश्य ही टेस्ट सीरीज़ भी लाया जाएगा, लेटर राइटिंग से रिलेटेड एज वेल एज निबंध से संबंधित। अब फ्रेंड्स, रहा आपका निबंध की तैयारी, तो ऑलरेडी यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप अद्यतन स्थिति से अवगत होंगे प्रत्येक टॉपिक से, बशर्ते आप अवगत हो जाइए 30 टॉपिक के संबंध में भी, कौन से 30 टॉपिक है जिसके माध्यम से आप बहुत इजी गोइंग में निबंध की तैयारी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे द्वारा क्लासेस लिया जा चुका है, आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन अभी आप टोटल फोकस अपने प्रारंभिक परीक्षा पर करें, क्योंकि समय काफ़ी कम है। उसके बाद आपको पर्याप्त समय क्या, यदि आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे तो उतना समय पर्याप्त होगा मेंस को क्लियर करने के लिए। बाकी रणनीति मैं आप सभी को नेक्स्ट क्लासेज में अवश्य ही बताऊँगी, लेकिन अभी से आप तैयारी अपना जारी रखें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीएस के बारे में बता दीजिए, घटना चक्र से हो जाएगा। फ्रेंड्स, जीएस के बारे में ऑलरेडी मेरे द्वारा विगत नए पहल कार्यक्रम के अंतर्गत बता दिया गया है कि जीएस के लिए आपको कम से कम हर एक सब्जेक्ट के लिए अच्छा खासा तैयारी करना होगा। करेंट अफेयर्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, जीके हुआ, इवन प्रीवियस ईयर पेपर, सबको आप एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। मात्र घटना चक्र के पढ़ देने से कुछ नहीं हो जाएगा, ना ही लूसेंट के सामान्य ज्ञान से, क्योंकि ये कंपटीशन इज़ टू मच है। और जब कंपटीशन इतना टू मच है तो फिर आपको तो 100% अपना हार्डवर्क टू मच करना होगा। ठीक है, तो आप सभी तैयारी करिए, बिना स्ट्रेटजी के साथ तैयारी के कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर्मठता के साथ तैयारी करें, और यदि बस पेपर देखना चाहते हैं तो बस घटना चक्र पढ़कर आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप मात्र पेपर देखने के लिए बैठ नहीं रहे हैं, बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए बैठ रहे हैं। तो अवश्य ही अध्ययन करें, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, टाइम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और इसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। टाइम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और इसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, इसके संबंध में जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि परीक्षा में तैयारी के लिए किस प्रकार से टाइम टेबल को मैनेज किया जाए कि आप अच्छे से किताब अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर ले और आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर ले। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जीएस में आप सभी को अधिकतम समय देना है, और अभी हाल अभी से आप यदि 30 से 40 मिनट हिंदी के लिए दे देते हैं
तो प्रारंभिक परीक्षा आपका आसानी से निकल जाएगा। आप सभी करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के लिए लगभग डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा दीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट आपके जैसे पॉलिटी है, इकनॉमी है, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर है, जीके है, इसके लिए आप लगभग आध से एक घंटा प्रत्येक को डिवाइड कर देते हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, जो आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसको कम से कम प्रत्येक दिन दो घंटा जरूर लगाइएगा। लूसेंट सामान्य ज्ञान को भी फोकस करिएगा। अवश्य ही फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो आप सफलता प्राप्त करते हैं। ऑलरेडी टाइम टेबल के संबंध में मेरे द्वारा एक स्पेशल स्ट्रेटजी बताई जा चुकी है, उसको फॉलो करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट सेकेंड पेपर पर स्ट्रेटजी बताए मैम। तो फर्स्ट के लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया गया है कि यदि आप पूर्णतः इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात अन्य सेवा में सेवारत नहीं है, तत्क्रम में फ्रेंड्स आपकी पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैक्सिमम टाइम देना, अर्थात अन्य किसी भी गतिविधि में संलग्न न होकर बस 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 पढ़ाई करना। और मेरा ऐसा मानना है कि आप अवश्य 15 से 16 घंटा अपना इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय दीजिए। यदि आप 15 से 16 घंटा देते हैं तो निश्चित रूप से 2-3 घंटा ऐसे फिर वो ख़राब हो ही जाता है। तो आप अपना कम से कम टोटल टाइम देंगे तो तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, जिसमें आप लगभग यदि 15 घंटा का समय दे रहे हैं तो 14 घंटा आप सामान्य अध्ययन को दीजिए और 1 घंटा आप सामान्य हिंदी को दीजिए। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज अपनी रणनीति बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, ताकि बोरिंग ना हो आप पढ़ाई करते वक्त और तैयारी भी आपकी क्रमशः कंप्लीट हो जाए। रिवीजन पे ज़रूर फोकस करिएगा। कुछ एक नया स्ट्रेटजी ये है फ्रेंड्स कि आप सभी जो रिवीजन जब आप करते हैं तो जितना अंडरलाइन किए हुए हैं, जो बुक्स के हर पैराग्राफ पे साइड में जो समरी बनाए रहते हैं, तो उसको आप ज़रूर रिवीजन के लिए एक घंटा समय निकालिए। अर्थात जितना भी आप किताब पढ़े रहते हैं तो उसके लिए आप 2 घंटा निकालिए और उसको बस रिवीजन करिए, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे द्वारा इस पर बताया जा चुका है, प्रयास करूँगी कि आगे एक स्पेशल क्लासेज इसमें लाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रिवीजन कैसे करें प्लीज़ बताएं। रिवीजन इज़ वेरी मच फॉर योर सिलेक्शन, बिकॉज रिवीजन से कन्फ्यूज़न की समस्या दूर होती है। तो फ्रेंड, रिवीजन का क्या तरीका है आइए जानते हैं, और इस पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है। तो रिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि जब भी आप कोई नया किताब पढ़े, जैसे मान लीजिए कि आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ठीक, मूल अधिकार, तो आप विधि के समक्ष समता पढ़ रहे हैं, तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उसको अंडरलाइन लगा रहे हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे जो फैक्ट हैं जो एक बार में नहीं याद होगा, तो उसको आप टिक लगा लीजिए। उससे भी इम्पॉर्टेंट है तो उसको और टिक लगा लीजिए। प्लस एक पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो उसको क्या करिए, समरी करें। जैसे मान लीजिए कि 500 शब्दों को आप मिनिमाइज करके 25 वर्ड में साइड में उसी पैराग्राफ के साइड में कहीं लिख लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो जितना आपका अंडरलाइन है, बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइटेड पोर्शन, एज वेल एज जो साइड में आप समराइज किए हैं, बस उसको ही पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। और इसको बार बार यदि आप रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं यही सफलता का आधार होता है। तो आई सजेस्ट यू कि आप सभी रिवीजन अवश्य करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेज में अब मेरे द्वारा बताया जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग द्वारा क्वेश्चन किया गया है उसका उत्तर आशा है कि आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मेरे द्वारा उत्तर दिया जाएगा, और समय भी पूरा प्रयास करूँगी समय निकालने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही पढ़ाई करें और इधर उधर कहीं ना जाएं, बल्कि टोटल ध्यान अपने पढ़ाई में रखें, क्योंकि यही समय है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, क्योंकि टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताऊँ, समय बनाता है, समय बिगाड़ता है, तो समय के महत्व से अवगत होइए और अवश्य ही आप सभी पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।